रिपब्लिक भारत पहुंचा हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज में 32 में से 10 गेट के जरिए अलग अलग राज्यों में छोड़ा जाता है यमुना का पानी। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के हर सेकंड रिलीज किया जाता है 761 क्यूसेक पानी। करनाल की मुनक नहर से होता हुआ दिल्ली की अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ पानी जाता है। मंत्री आतिशी ने धरने पर बैठने का ऐलान किया, कहा दिल्ली को पानी की जरूरत, 21 तारीख तक कोई कदम नहीं उठा तो करूंगी अनशन। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने फिर से हरियाणा पर पानी न देने का आरोप लगाया, कहा हरियाणा के रिजर्व से चाहिए बस 1.5% पानी। यूपी के नोएडा की एक सोसाइटी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 में पैसा मांगने पर मारपीट हुई, आरोपियों ने हॉकी से युवक को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, बाइक सवार ने छात्र को रौंद दिया, मौके पर हुई छात्र की मौत। गंगा बाजार के पास का हादसा। उत्तर प्रदेश के महोबा में बारिश के चलते भरभराकर गिरा एक दीवार गिरी है और इसमें दबने से मजदूर घायल हुए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फर्जी जेल अधीक्षक हुआ गिरफ्तार, नौकरी लगवाने और ठेका दिलवाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की पुलिस ने कई फर्जी दस्तावेज समेत 30,000 किए बरामद। मुरादाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर किया पथराव, घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली की चेकिंग करने पहुंची टीम के साथ मारपीट हो गई, अवर अभियंता और कर्मियों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।